नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। सीधे आपको ले चलते हैं मथुरा, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जन्माष्टमी मनाने पहुंचे, संबोधित कर रहे, सुनते हैं। आज के सर पवित्र कार्यक्रम में श्री कृष्ण जन्मोत्सव इस पावन आयोजन में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगीगण, ऊर्जा मंत्री श्री श्रीकांत शर्मा जी, पशुपालन और दुग्ध विकास के मंत्री श्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, नगर विकास के मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी, मान्य विधायकगण श्री पूरण प्रकाश जी, कारिंदा सिंह जी, महापौर श्री मुकेश आर्य बंधु जी, उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्रस्तीर्थ विकास परिषद श्री सहजा कांत मिश्र जी, व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री रविकांत गर्ग जी, पूर्व सांसद और कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष श्री देशवीर सिंह जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री किशन सिंह चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्रीमती मधु शर्मा जी, महानगर अध्यक्ष श्री विनोद अग्रवाल जी, चेयरमैन कोऑपरेटिव श्री मेघ श्याम जी, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पूज्य संतजन श्री महंत बोलडोल जी महाराज, श्री महंत हरिशंकर दास जी महाराज, श्री महंत मनमोहन दास जी महाराज, श्री महंत राम स्वरूप दास जी ब्रह्मचारी जी, जगत गुरु श्री बलराम दास जी महाराज, श्री महंत लाडली शरण दास जी महाराज, श्री महंत सुदीक्षण दास जी महाराज, श्री महंत सुंदर दास जी महाराज, स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज, और उपस्थित इस पावन भूमि से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आज का दिन हम सब के लिए बहुत पवित्र दिन है। इस धराधाम पर धर्म की स्थापना के लिए 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने स्वयं अवतरित होकर के हम सबको कृतार्थ किया था, और आज का ये दिन हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है, योग माया के प्रकटीकरण का दिन भी है, और इसलिए इस अवसर पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और अपनी मंगलमय कामना व्यक्त करने के लिए विशेष रूप से मैं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। ब्रज तीर्थ विकास परिषद इस कार्यक्रम में भाग लेने की मेरी पिछले 3 वर्षों से बहुत बहुत इच्छा थी, लेकिन कोई ना कोई कार्यक्रम, कोई ना कोई ऐसी चीज आ जाती थी जिसके कारण इस कार्यक्रम में मैं सहभागी नहीं हो पाता था। पहले वर्ष 2019 में आगरा तक मैं आ गया था, लेकिन जैसे आगरा में हम लोग लैंड किए तो मुझे बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी नहीं रही, तो हमें दिल्ली वापस दिल्ली जाना पड़ा। विगत वर्ष कोरोना महामारी के कारण पूरा देश, पूरी दुनिया अस्त व्यस्त थी, तो स्वाभाविक रूप से हम लोगों को भी इस आयोजन से अपने को दूर रखना पड़ा, एक सामान्य संक्षिप्त कार्यक्रम के साथ जुड़ना पड़ा था। इस वर्ष कोरोना महामारी पूरी तरह नियंत्रण में है, लेकिन सावधानी विकसित है। कोरोना ने पिछले 1.5 सालों के दौरान पूरे देश में, पूरी दुनिया में जो कोहराम मचाया है, आज तो मैं वृंदावन बिहारी लाल से ही प्रार्थना करने आया हूं कि अब जैसे यहां पर आपने अनेक राक्षसों का अंत किया था, इस कोरोना नामक राक्षस को भी अंत करने की कृपा करें।
सब के प्रति हमारी संवेदना है। लेकिन महामारी है, देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस महामारी से लड़ने के लिए बेहतरीन प्रबंधन करने के प्रयास हुए, लेकिन महामारी के दौरान सरकारी संसाधन अक्सर कम पड़ जाते हैं। मैं भी फिरोजाबाद से आ रहा हूं, पिछले एक सप्ताह पूर्व मथुरा में भी मुझे जानकारी मिली थी कि डेंगू से कुछ बच्चों की, जो बच्चे इसकी चपेट में आए थे, उसमें से लगभग 7-7 बच्चे इसकी चपेट में आकर के कालकलमित हुए हैं। फिरोजाबाद में भी ऐसी स्थिति थी, उन सभी परिवार वालों के प्रति मेरी पूरी संवेदना है। ये दुखद है, लेकिन बीमारी में लापरवाही हमेशा खतरनाक होती है, और इसलिए सावधानी और सतर्कता के साथ अगर हम बचाव के सभी उपाय करें तो महामारी हमारा बांध बांका नहीं कर पाएगी। और फिर ये धरती तो भगवान की लीला की धरती है, उस समय दृश्य शत्रु से भी और अदृश्य शत्रु से भी इस धरती पे भगवान ने मुकाबला किया था, हमें राह दिखाई थी। आज अदृश्य शत्रु कोरोना के रूप में आया है, इससे बचने के लिए भी राह प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश दे रहा है, आगे बढ़ रहा है, लेकिन भगवान की अहितिक कृपा हम सब पर अवश्य होगी, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। और हम सबको इसी आस्था के साथ कोरोना गाइडलाइन जो बनाई गई उसका पालन करना होगा, अवश्य हम उसका पालन करें। मुझे बहुत प्रसन्नता है, 4 साल पहले जब यहां पर हम लोग विकास की एक रूपरेखा तैयार करने के लिए श्रीकांत जी, चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, कारिंदा सिंह जी, पूरण प्रकाश जी, इन सब के साथ आए थे, और तब तय हुआ था ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन होना है। हमारे इन मंत्रियों ने और विधायकों ने दबाव भी बनाया, हेमा मालिनी जी ने भी उस समय इस बात के लिए कहा कि मैं तो यहां पर आई इस बात के लिए हूं, मैं भगवान कृष्ण की भक्त हूं, और यहां पर कुछ ऐसा होना चाहिए जो अद्भुत हो जाए। और फिर यहां पर इस परिषद का गठन हुआ, हमारे जनप्रतिनिधिगण निरंतर अपना मार्गदर्शन देते हैं, और श्री सहजाकांत जी के नेतृत्व में ब्रजतीर्थ विकास परिषद यहां पर सचमुच इन पूज्य संतों के सानिध्य में ब्रज क्षेत्र को 5,000 वर्षों से जिस कार्य के लिए तरसती थी हमारी ब्रज भूमि, आज उसको स्वरूप प्रदान करने का प्रयास हो रहा है। इसकी पुरातन परंपरा और काया को बनाए रखते हुए नए कलेवर के साथ ब्रज क्षेत्र को हमें विकास की ओर अग्रसर करना है, और इसी दिशा में यह परिषद निरंतर प्रगति के पथ पर ले जा रहा है। उसका एक छोटा सा लघु चित्रण आपके सामने भी इस प्रस्तुतिकरण के माध्यम से देखा। विकास के लिए कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे ब्रज क्षेत्र के विकास के लिए, जहां भी जितना भी संभव हो पाएगा, हमारे दोनों मंत्री भी, हमारे दोनों विधायक भी, हमारे महापौर भी, हमारे सांसद जी भी, और हमारे यहाँ के सभी जनप्रतिनिधिगण लगातार विकास के लिए प्रयत्नशील है। यहाँ का भौतिक विकास भी हो, लेकिन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को भी हम यहाँ की बनाए रखें, क्योंकि वो हमारी पहचान है। मित्रों, देश के प्रधानमंत्री जी ने यही तो देश को एक नई दिशा दी है। आज आप देख रहे हैं एक एक करके सैकड़ों वर्षों से दबी हुई भावनाएं, आस्था के केंद्र फिर से अपने नए रूप में सामने आ रहे हैं। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रधानमंत्री जी के कर्तव्यों से प्रारंभ हो चुका है। आज आप देख रहे होंगे अयोध्या, नई अयोध्या बन गई है। कल हम लोग राष्ट्रपति जी के साथ अयोध्या में थे, राष्ट्रपति जी ने कल रामलला के दर्शन किए अयोध्या में। आजादी के बाद पहले राष्ट्रपति अयोध्या आए हैं जिन्होंने रामलला का दर्शन किया। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने रामलला का दर्शन किया।
सभी देव विग्रहों को की पूजा करने और उनके दर्शन करने में भी लोगों को इससे पहले की सरकारों को सांप्रदायिकता का भय होता था, कहीं हमें सांप्रदायिक होने का लेपन न लग जाए। लेकिन अब मोदी जी के नेतृत्व में जो नया भारत है, कांगड़ाई ले रहा है। जो लोग पहले मंदिर जाने में संकोच करते थे, अब ये भी कह रहे हैं कि नहीं, राम तो हमारे भी हैं, कृष्ण हमारे भी हैं। ये है परिवर्तन। आज होड़ लगी है। पहले लोगों में होड़ किस बात की लगती थी? पहले आपके पर्व और त्योहार में कोई बधाई देने के लिए न कोई मुख्यमंत्री आता था, न कोई मंत्री आता था, न कोई विधायक आता था। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों को छोड़ दें तो शेष नेताओं के लोग दूर भागते थे। हर पर्व और त्योहार में बधाई दी जानी चाहिए, अगर वह उसके अनुरूप है। शुभकामनाएं देनी चाहिए, मंगल कामनाएं व्यक्त होनी चाहिए। लेकिन लोग डरते थे, एक तरफा चलता था। हिंदू पर्व और त्योहारों में कोई नहीं आता था, कोई भी सहभागी नहीं बनता था। पर्व और त्योहारों में अलग से बंदिशें लगती थी, पर्व त्योहार नहीं मनाना है, लाइट नहीं रहेगी, बिजली नहीं रहेगी, पानी नहीं रहेगा, साफ सफाई नहीं होगी, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होगी। अलर्ट जारी होता था कि रात 12 बजे के बाद हम ये कार्यक्रम नहीं करेंगे, 10 बजे के बाद आतिशबाजी नहीं करेंगे, दोपहर 12 बजे के बाद रंगोत्सव का कार्यक्रम नहीं करेंगे। अब तो ऐसा कोई बंदिश नहीं है। अब तो हर्षोल्लास के साथ अक्रम चाहिए। और हमारे कान्हा तो रात्रि को 12 बजे ही जन्म लेते हैं। यह है परिवर्तन। और भाइयों बहनों, अपनी इस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को रखते हुए, सुरक्षित और संरक्षित करते हुए, हमें विकास और तकनीक के नए युग में प्रवेश करने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। और ये ब्रज भूमि भी आज उसके सामने प्रगति की ओर अग्रसर है। कितना हमारा सौभाग्य है, कितना मुझे अच्छा लगा था। अरे सचमुच ये बिहारी लाल की कृपा है, राधे रानी की कृपा है। हमने वैष्णव कुंभ किया था यहां पर, कितना भव्य हुआ था। पूज्य संतों के आशीर्वाद से इनके सानिध्य में कितना भव्य हुआ था। मैं डर रहा था, मैं तो सचमुच डर था। कोरोना का मुझे था कि भाई पता नहीं क्या हो जाएगा। इन संतों ने कहा नहीं होना है, और श्रीकांत जी ने भी कहा, चौधरी साहब ने भी कहा कि नहीं नहीं नहीं, इसको भव्य करना है। और प्रयागराज कुंभ के बाद एक नया रिकॉर्ड, वृंदावन में वैष्णव कुंभ का भी भव्य आयोजन संपन्न हुआ। और जैसे ही यहां का कार्यक्रम संपन्न हुआ, कोरोना की दूसरी लहर भी आ गई। आपने देखा होगा यहां का कोई कार्यक्रम डिस्टर्ब नहीं हुआ, कहीं कोई व्यवधान नहीं पैदा हुआ। ये सब वृंदावन बिहारी की कृपा नहीं तो क्या है? ये साक्षात कृपा है। हम सब ने इसको महसूस किया है। जब तक वैष्णव कुंभ था, कोई कोरोना। और वैष्णव कुंभ का समारोह के बाद जैसे पूज्य संतों ने यहां से दूसरे कार्यक्रम के लिए यहां से प्रस्थान किया, दूसरी लहर की चपेट में पूरा देश और पूरी दुनिया आ गई। हम अपनी आध्यात्मिक धरोहर को संरक्षित करें और हमें गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। 5000 वर्षों से हम सब इस भूमि के कण कण में अपने वृंदावन बिहारी लाल के दर्शन करते हैं, उनको पाते हैं, उनकी लीलाओं का यहां पर न केवल श्रवण करते हैं, उसका साक्षात दर्शन भी करते हैं। यह सौभाग्य केवल भारतवासियों को प्राप्त होता है, यह सौभाग्य ब्रजवासियों को प्राप्त हुआ है। और ब्रजवासी आप सभी धन्य हैं कि आप सबको इस पवित्र भूमि पर जन्म लेने का, यहां पर सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं।
अपनी शुभकामनाएं देता हूं, आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, जो यहां पर हमारे पूज्य संतों का, हमारे जनप्रतिनिधियों का भाव है कि हम लोगों ने 2017 में पहले यहां पे नगर निगम का गठन करवाया, फिर नगर निगम के गठन के साथ यहां के 7 पवित्र स्थलों को तीर्थ स्थल घोषित किया, और तीर्थ स्थल घोषित होने के बाद अब यहां पर इन सब की तमन्ना है कि इन सभी क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का मध्य मांस आदि का सेवन न हो, और ये होना चाहिए। मैं प्रशासन से कहूंगा इसकी योजना रचना बना करके उन लोगों को व्यवस्थित पुनर्वास करने की व्यवस्था करें, खासतौर पर जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उन लोगों को व्यवस्थित रूप से उनको काउंसलिंग की जानी चाहिए। और अच्छा होगा कि जो इस फील्ड में लगे हैं, अगर वे दुग्ध पालन के उनके लिए छोटे छोटे स्टॉल बना दिए जाए, वे दूध वहां पर बेचने का कार्य करें, दूध देने का कार्य करेंगे, तो यहां फिर से हम द्वापर युग की उन क्षणों को फिर से स्मरण कर पाएंगे जब ये धरती देश और दुनिया को एक नई दिशा देती थी, और फिर से धरती इस बात के लिए अपने आप को तैयार कर रही है। किसी को जाड़ना नहीं, व्यवस्थित पुनर्वास करना है, और व्यवस्थित पुनर्वास के क्रम में इन पवित्र स्थलों को इस दिशा में आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। ब्रज तीर्थ विकास परिषद यहां के जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के, स्थानीय प्रशासन को साथ लेकर के विकास की अच्छी योजना यहां के लिए और तैयार करें। अच्छा प्रयास 4 वर्षों के अंदर हुआ है, और भी अच्छा प्रयास जिससे दुनिया की हमारी 7 पुरियों में एक पवित्र पुरी है ये क्षेत्र, इसलिए उन 7 पवित्र पुरियों की तर्ज पर ही हम इस पुरी की भी विकास की कार्य योजना को आगे बढ़ा करके देश और दुनिया के लिए आध्यात्मिक और सांस्कृतिक प्रवेश के साथ ही भौतिक और तकनीक से भी परिपूर्ण इस पूरे क्षेत्र को कर पाएंगे। इन सभी परियोजनाओं के लिए मैं ब्रज क्षेत्र के आप सभी श्रद्धालुजनों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ग्रीष्मोत्सव का आप सबको मंगलमय कामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करते हुए बिहारी लाल जी से ही प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में मंगलमय हो, उत्सवपूर्ण हो, सदैव आपके जीवन में खुशहाली आए, इस विश्वास के साथ पूरे प्रदेश पर, पूरे देश पर वृंदावन बिहारी लाल की और राधे रानी की कृपा सदैव बनी रहे, इस विश्वास के साथ आप सबको मैं आज के इस अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।